हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब जियो भी जीने नहीं देगा। बहुत खुश हो रहे थे ना अनंत अंबानी की शादी देखकर। अब पैसा भी तुम्ही से वसूलेगा। पहले आदमी का काम रोटी कपड़ा मकान में चल जाता था, लेकिन मुकेश अंबानी साहब जी ने कहा रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ अब इंटरनेट की भी आदत डाल लो। और जैसे ही इंटरनेट की लत लोगों की लग गई, वैसे ही रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ एयरटेल और वीआई ने भी अपना रिचार्ज का रेट बढ़ा दिया है। उन्होंने सोचा कि मुकेश अंबानी साहब तो गाली सुन रहे हैं, पीछे से क्यों ना हम लोग भी माल लूट लिया जाए। और देखते ही देखते एक झटके में इन तीनों कंपनियों ने 50,000 करोड़ की प्रॉफिट कर ली। अगर आप लोगों को लगता है ये वीडियो सही समय पे मैंने उठाया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अधिकतर भारतीयों का सबसे पहला सिम BSNL ही था, जो कि BSNL एक सरकारी कंपनी है। लेकिन बीच में जियो का सिम आ गया और जियो ने फ्री में अपना सिम बांटना चालू कर दिया, जिससे ये था कि BSNL जो सुविधा नहीं दे पा रहा था वो जियो में सारी सुविधा उपलब्ध थी। लोग इसके तरफ आकर्षित होने लगे। जब पूरे भारत में अपना नेटवर्क का कब्जा कर लिया तो लोगों से अपना दाम वसूलने लगा। यहाँ तक तो ठीक था, अब हद तो तब हो गई जब 155 रुपए का रिचार्ज आपको 189 रुपए में मिलने लगा। 36 दिन का प्लान 1,569 रुपए का था, लेकिन अब 1,899 रुपए का हो गया है। वो हम लोगों को एकजुट होना होगा और प्राइवेट कंपनियों की औकात दिखानी होगी। अब BSNL की वापसी घर होगी, हम लोगों को BSNL का साथ देना होगा और हम लोगों को विश्वास रखना होगा सरकार और रतन टाटा जी पर। सरकार ने BSNL को अच्छी सर्विस देने के लिए 89,047 करोड़ रुपए का फंड दिया है। टाटा जी ने BSNL के लिए पूरे भारत में 4G 5G नेटवर्क बिछाने का काम करेंगे। अगस्त तक ये सुविधा सारी जगह उपलब्ध हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जिसे आप क्लिक करके ये जान सकते हैं कि आपके एरिया में BSNL का नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टाइम टू डू अगेन टुमारो। बाय। जय हिंद, जय भारत।